इनकी कुंडली अगर सही है तो स्पष्ट बोलने की आदत है, भला लगे या बुरा लगे। हाँ थोड़ा बहुत है। कुंडली ये बताती है कि ये थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, सही है कि गलत। कुंडली के अनुसार 2017 से 2019 के बीच का समय इनका काफी तनाव और परेशानी में पड़ा रहा, सही है कि गलत। ये मैं एकदम पक्का तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ परेशानी तो रही। क्या आपसे दूर है ये? जी दूर। स्वास्थ्य इनका कैसा रहता है, नरम नरम रहता है? हाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता, ज्यादा अच्छा नहीं रहता। स्वास्थ्य इनका खराब रहेगा और इनको माता जी के सुख में भी बाधाएं आनी चाहिए। माता जी का स्वास्थ्य भी नरम गरम रहता है? जी उनका भी थोड़ा ऐसे एकदम ऐसा रहता है। ठीक है, कुंडली सही, बताइए क्या जानना चाहिए। जी इनका विवाह इसी वर्ष 20 मई को हुआ था पंडित जी। सफल तो नहीं रहा होगा? नहीं सफल नहीं। हेलो, सफल तो नहीं रहना चाहिए विवाह, क्या हुआ? जी इनकी आपस में बनी रही है और ये संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। और जब से विवाह हुआ है मतलब खुशी चली गई है इनके मतलब चेहरे से दिमाग से। ये बताइए जी क्या लड़की पूर्व परिचित है? पूर्व परिचित दो तरह से होती है, एक तो प्रेम विवाह है, दूसरा एक विवाह होता है कि फलाने रिश्तेदार की बच्ची है, दसों साल से एक दूसरे को अपन लोग जानते हैं, परिचय में है और शादी हो जाए, कैसे? या अनजान लड़की? अनजान नहीं, अनजान लड़की है, लेकिन शादी होने से पहले 1.5 साल पहले से जान रहे थे मतलब। तो पूर्व परिचित हुई ना भाई, कैसी बात कर रहे हो, वही तो हम कह रहे हैं जी। लेकिन वो शादी से बात शुरू हुई थी, लेकिन शादी अटकी हुई थी, फिर 1.5 साल बाद शादी हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हमारा अनुभव सही है। क्या जानना चाहती है?